नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला, आप देख रहे हैं सत्य की श्री न्यूज और आज की कुछ खास खबरों के साथ आगे बढ़ते। यमुनानगर के सिसौली एरिया में वर्मा ज्वेलर के पास चली गोलियां, सिसौली जगाधरी वर्कशॉप रिपोर्टर नरेश कुमार के साथ। जी हाँ, यह सत्य घटना सामने आई है। दिनांक 1 जनवरी 2023 को सिसौली रोड के पास जगाधरी वर्कशॉप में एक के बाद एक चली 7 से 8 गोलियां। SHO और CI स्टाफ मौके पर रहे मौजूद। घायल को गाबा हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसको तुरंत मुलाना रेफर कर दिया गया है। और आइए सत्य केसरी संवाददाता नरेश कुमार जी से ही जानते हैं वहां का हाल। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार सत्य केसरी से फिर एक बार जुड़ा हूं आपके साथ और आपको अभी की ब्रेकिंग न्यूज बताऊं कि यमुनानगर के सिसौली एरिया में वर्मा ज्वेलर्स की दुकान पर गोलियां चली हैं। जी हाँ, यमुनानगर में गोलियों की बरसात जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है और यमुनानगर में जगह जगह गोलियां चलती, आपने खबरें सुनी होंगी। क्राइम रेशो यमुनानगर में इतना बढ़ता जा रहा है, सरेआम यमुनानगर में गोलियां चली हैं। मैं आपको बताऊं, वर्मा ज्वेलर ये दुकान देखिए, इसके आसपास लगभग 7 से 10 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें अब ये नहीं पता कि जिस जो मुवक्किल था उस पर गोलियां चली हैं या जो मुजरिम आए थे उन पर गोलियां चली हैं। ये अभी हम आपको लेटेस्ट खबर बताएंगे, लेकिन अभी की सत्य केसरी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहाँ पर 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं यमुनानगर से। मैं नरेश कुमार सत्य केसरी प्रेस से अजय शर्मा के साथ, धन्यवाद।